नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप गुलेरिया। तो दोस्तों, आज फिर से लेके हाजिर हूं एक 4 BHK हाउस। बहुत ही प्यारा ये घर रहने वाला है, रीसेल प्रॉपर्टी रहेगी। सबसे पहले लोकेशन की बात कर ली जाए, सेक्टर 127 शिवालिक में ये घर रहने वाला है आपका। इस घर की खासियत ये कि ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट आप इसे कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का घर रहेगा। सबसे पहले आप इसका एलिवेशन देखिए। तो एलिवेशन जो है कुछ इस तरह से रहने वाला है। बहुत ही प्यारा ये घर रहेगा। 2 BHK आपको नीचे कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा और 2 BHK ही आपको सेम ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे मिलने वाला है। तो फ्रंट में आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है टाइल वर्क यहाँ पे नज़र आने वाली है। और फ्रंट आप अगर गेट की बात कर लें तो कुछ इस तरह से आपको जो है बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन में आपको जो है गेट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए अब लिए चलते हैं आपको घर के अंदर भी। तो दोस्तों, बात कर लीजिए अपने पार्किंग एरिया की भी। तो पार्किंग स्पेस आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है पार्किंग स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। तो अपने 2 व्हीलर वगैरह जो है इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। बात कर ली जाए अपने घर के सामने रोड की भी, तो आप ये रोड देख सकते हैं, काफ़ी वाइड रोड घर के सामने आपको मिलता है। तो दोस्तों, अब ये चलते हैं आपको घर के अंदर भी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे डोर्स। तो मैच डोर हमें मिलता है यहाँ पे। और अब बात कर ली जाए मेन डोर की भी, तो कुछ इस तरह से हमें एक 8 फिट हाइट का डिज़ाइनर डोर जो है वो मिल जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं अपने लिविंग रूम की भी। तो दोस्तों, आप ये लिविंग रूम देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस जो है वो आपको जगह मिल जाती है, ये एरिया मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हैं आपका 7 सीटर यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, सेंटर टेबल यहाँ पे लगा हुआ है आपका। उसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट के लिए काफ़ी जगह जो है वो निकल के आ जाती है। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं आपका जो है एक TV पैनल जो है वो हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे जो है TV इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया रीसेल प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, इसमें खास बात एक और कि जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं एज इट इज़ ही आपको वो यहाँ पे सब कुछ ही मिलने वाला है। तो अब लिए चलते हैं आपको अपने किचन की तरफ भी। तो आप ये किचन देख सकते हैं, मॉडलर किचन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो किचन का स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, एल शेप में किचन रहेगा आपका। ऊपर आप ये देख सकते हैं कैबिनेट आपको इस तरह से मिल जाते हैं, चिमनी लगी हुई है यहाँ पे। तो सब चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं एज इट इज़ ही आपको मिलने वाली है। फ्रिज भी आपको साथ ही में मिलेगा यहाँ पे भी। अब दोस्तों, लिए चलते हैं आपको बेडरूम्स की तरफ भी। 2 बेडरूम्स रहेंगे, एक हमारा इस तरफ लेफ्ट साइड में बेडरूम रहेगा और एक बिल्कुल लिविंग रूम के राइट साइड में बेडरूम हमें मिलने वाला है। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको बेडरूम यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस जो है ये बेडरूम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ जो है अटैच वॉशरूम भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप वॉशरूम भी देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है। तो नीचे एंटेस के टाइल्स मिलते हैं आपको और सीलिंग हाई टाइल्स आप ये देख सकते हैं। वॉशरूम फिटिंग्स आदि साथ में आपको मिलती हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपका अलमीरा। तो फुल सीलिंग हाइट जो है वो आपकी अलमीरा रहेगी स्लाइडिंग डोर्स के साथ। साथ ही में आपको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी दिया गया है। अब लिए चलते हैं दोस्तों आपको अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ भी। तो आप ये स्पेस देख सकते हैं अपने बेडरूम का भी। तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये बेडरूम भी यहाँ पे मिल जाता है। फॉल सीलिंग आपको इस बेडरूम में भी दी जा रही है। इनफैक्ट आपको पूरे ही घर में यहाँ पे फॉल सीलिंग जो है वो मिलती है LED लाइट्स के साथ। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा वॉलपेपर यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। दिखाना चाहूँगा आपको वॉशरूम भी। तो सेकंड वॉशरूम आपको अटैच्ड यहाँ पे मिलता है आपके वॉशरूम। आप ये देख सकते हैं सेकंड बेडरूम के साथ भी, दोनों ही बेडरूम्स के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। नीचे एंटेस के टाइल्स, सीलिंग हाइट टाइल्स देख सकते हैं आप, और वॉशरूम फिटिंग सारी लगा के दी जाएंगी। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं आपको जो है फुल सीलिंग हाइट अलमीरा आपको यहाँ पे भी मिल जाती है स्लाइडिंग डोर्स के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारा 2 बेडरूम सेट 2 BHK कंप्लीट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। इसी तरह से सेम हमें ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगा। तो ये लिए चलते हैं हम आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको स्टेयर्स दिखाना चाहूँगा। तो इस तरह से आपको जो है स्टेयर्स मिल जाती हैं, मार्बल मिलेगा आपको यहाँ पे स्टेयर्स पे, और स्टेनलेस स्टील रेलिंग जो है वो साथ में यहाँ पे लगा के आपको दी जा रही है। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने से पहले मैं आपको डोर्स दिखाना चाहूँगा। तो इस तरह से आपका जो है मैच डोर यहाँ पे आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपने मेन डोर की भी। तो सेम आपको जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको डोर मिलता है एज इट इज़ ही आपको यहाँ पे भी मिलता है। 8 फिट हाइट का आपका डिज़ाइनर डोर मिलेगा आपको। अब दिखाना चाहूँगा आपको मैं आपका लिविंग एरिया भी। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं अपना लिविंग एरिया। तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये जगह मिल जाती है यहाँ पे। तो इधर भी एज इट इज़ जैसे आप सेम नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा वैसे ही सोफ़ा सेट वगैरह आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ऊपर बात कर लें फॉल सीलिंग की भी, तो सेम आपको एज इट इज़ जैसे फॉल सीलिंग नीचे मिली वैसे ही आपको यहाँ पे भी फॉल सीलिंग जो है वो मिलती है LED लाइट्स के साथ। अब दिखाना चाहूँगा आपको आपका
किचन भी, तो पूरा कंप्लीट सेट आपको जो है एक किचन यहाँ पे भी मिलता है। ऊपर आपको जो है कैबिनेट्स मिल रहे हैं, नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ड्यूल सिंक दी जा रही है, सारी किचन फिटिंग्स जो है यहाँ पे भी आपको लगा के दी जा रही है। सामने आप ये देख रहे हैं आपको बड़ा सा विंडो मिलता है ताकि आपके किचन के अंदर भी वेंटिलेशन सनलाइट प्रॉपर मिले आपको। तो इस तरह से हमारा ये किचन रहेगा, काफ़ी स्पेशियस। अब बात कर लेते हैं अपने बेडरूम्स की भी, तो सेम रेप्लिकेट ऊपर भी हुआ है आपका, टू बेडरूम सेट नीचे, टू बेडरूम सेट ऊपर, लेफ्ट साइड में भी रूम रहेगा और राइट साइड में भी रहेगा लिविंग एरिया के। अब चलते हैं इस तरफ, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस जो है आपको ये रूम भी मिलता है यहाँ पे आपको, और ऊपर भी सेम फॉल सीलिंग जो है वो दी जा रही है। वॉशरूम का साइज़ आप ये देख सकते हैं, अटैच वॉशरूम मिलेगा इस रूम के साथ भी आपको। तो नीचे एंटीसकिड टाइल्स और फुल सीलिंग हाइट टाइल्स जो है वो आपको लगा के दी जा रही हैं। एक इसी के साथ दिखाना चाहूँगा आपको मैं, अलमीरा जो है फुल सीलिंग हाइट रहेगी स्लाइडिंग डोर्स के साथ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पे दिया जा रहा है, कंप्लीट आपको अलमीरा यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि काफ़ी स्पेशियस आपको मिलता है सेम एज इट इज़ नीचे। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड बेडरूम की भी, तो इस तरफ भी आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको ये बेडरूम भी यहाँ पे मिल जाता है। अटैच वॉशरूम दिखाना चाहूँगा आपको मैं, तो आप वॉशरूम का भी साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपको ये वॉशरूम भी मिल जाता है यहाँ पे। नीचे एंट्रेंस के टाइल्स और टाइल हाइट्स आप ये देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जो है वो आपको ये वॉशरूम मिलेगा। इस तरफ बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी हमें जो है एक अलमीरा दी जा रही है फुल सीलिंग हाइट स्लाइडिंग डोर्स के साथ, और इधर भी हमें जो है फॉल सीलिंग यहाँ पे भी लगा के दी जा रही है। इसी के साथ दिखाना चाहूँगा आपको मैं आपका बालकनी एरिया भी, जो कि एक्सेस यहाँ से रहेगा। दोस्तों आप ये बालकनी का स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जो है वो बालकनी मिल जाती है, काफ़ी जगह मिलती है हमें यहाँ पे। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं आपका टफन ग्लास मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील रेलिंग मिल जाती है, तो एक आपको अच्छा लुक देती है ये आपके घर के लिए भी। और घर के सामने मैं बात करूँगा रोड की भी, तो काफ़ी वाइड रोड हमें मिलती है यहाँ पे 35 से 40 फीट की। और आप ये सराउंडिंग सारा देख सकते हैं, पूरी यहाँ पे आपको जो है वो कोठियाँ ही नज़र आएंगी, इंडिपेंडेंट हाउस ही यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। दोस्तों ये था हमारा 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पे। अब लिए चलते हैं दोस्तों आपको ऊपर छत पे भी, आइए चलिए। दोस्तों इस तरह से आपका जो है छत के लिए एक्सेस रहेगा, तो मॉन्टी तक आपका ये कंप्लीट घर आपको मिलता है, तो काफ़ी स्पेशियस आपकी ये छत भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो काफ़ी स्पेस आप देख सकते हैं अपनी छत का। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपको पीछे जो यहाँ पे वाटर टैंक दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वाटर टैंक आपको मिलते हैं यहाँ पे 1000-1000 लीटर के, जिसमें आपको दोनों ही फ्लोर्स पे जो है एक्सेस रहेगा उनका दोनों का। तो इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट छत ऊपर वाटर टैंक मिलते हैं आपको। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 4 BHK हाउस, एक बहुत ही प्यारे एलिवेशन के साथ। और आपने देखा कंप्लीट सेट 2 BHK नीचे और कंप्लीट 2 BHK सेट ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलता है। तो दोस्तों बात कर ली जाए अमेनिटीज़ की भी, तो जैसे कि आपने घर देखा, तो ये जो घर है हमारा ये गेटेड सोसाइटी में आपको मिलता है। तो गेटेड सोसाइटी की जो फीचर फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलती हैं। जैसे कि ये गेटेड सोसाइटी है तो एक गेट रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा यहाँ पे 24/7 आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलने वाला है। यहाँ पे सीवरेज जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है, वाटर सप्लाई जो है वो आपको 24/7 मिलती है यहाँ पे। तो हर वो फैसिलिटी आपको मिलती है जो कि एक हम उम्मीद करते हैं गेटेड सोसाइटी में। तो काफ़ी अच्छा ये एक डेवलप्ड सोसाइटी है, तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें अभी आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है सब चीज़ों का। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की भी, तो यहाँ से हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, तो हार्डली आप ये कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट में आप यहाँ से चंडीगढ़ जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं। और सब कुछ चीज़ें ही हमें यहाँ पे आसपास मिलती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें मार्केट मिलती है, सराउंडिंग अगर बात करें स्कूल कॉलेजेस मंदिर गुरुद्वारा साहिब सब कुछ यहाँ पे हमें आसपास ही मिलने वाला है। अब बात कर ली जाए दोस्तों डिमांड की भी, तो ऑनर की तरफ से जो इसका प्राइस है वो है 62,90,62,90,000, जो कि नेगोशिएबल रहेगा। तो हमारे जो भी इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर इस प्रॉपर्टी को विज़िट करें, डेफिनेटली उनको ये प्रॉपर्टी जो है ये सोसाइटी जो है वो पसंद आने वाली है। तो दोस्तों मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर इस प्रॉपर्टी को विज़िट करें। तो स्पेशली मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इन्वेस्टर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये लोकेशन जो है बहुत ही प्राइम रहने वाली है, ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही खास रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो है सराउंडिंग और इस जगह की बात कर लें
तो यहाँ पर रेंटल इनकम काफ़ी अच्छा है। अगर हम फ्लोर वाइज बात करें तो ग्राउंड फ्लोर का जो फुली फर्निश करके हम किसी को देते हैं तो 22,000 से 25,000 के बीच में जो है इसका जो है रेंटल आता है हमें यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो 20,000 से 22,000 के आसपास जो है रेंटल यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। खुद अगर किसी ने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रह के अगर छोटी फैमिली है तो ऊपर वाले पोर्शन को हम रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो अगर हम कंप्लीट कोठे की बात कर लें तो 240,000 से 245,000 बेयर मिनिमम आपका जो है रेंटल यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी और रहने के लिए भी। तो शिवालिक दोस्तों खुद में भी एक बहुत बड़ा नाम है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी उनको भी मालूम है, और जो यहाँ पे रहना चाहते हैं तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस जगह को। तो काफ़ी अच्छा ये लोकेशन है। तो दोस्तों आप जल्दी से इस प्रॉपर्टी को विज़िट कीजिए, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जो है बहुत रेयर हमारे पास आती हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे दोस्तों, जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको अगर ये प्रॉपर्टी पसंद आएगी तो हम भी कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट जो है आपको रेट यहाँ पे जो है वो दिलवाया जाए। तो दोस्तों आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलता हूँ नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।